हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले तो बेटा मैं बहुत खुश हूँ, इसके पीछे कारण ये है बेटा, आप सभी की मेहनत, आप सभी ने जिस तरह से मेरा सपोर्ट किया, तो आज मेरे थर्ड वीक के अंदर ही बेटा जी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए बेटा जी दिल से धन्यवाद बेटा जी सभी बच्चों का। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया है, उनको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है, और बेटा जिन जिन बच्चों को मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगे मेरा विश्वास रखिएगा, आने वाले वीडियो में इससे भी बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट दूंगा आपको जो एग्जाम लेवल का होगा। क्लियर? तो चलिए इसी खुशी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है ना? अच्छा सुनिएगा, पहले हेडिंग लिख देता हूं मैं, सुन लीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल। लेकिन ध्यान रहे ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में वहां से पढ़ रहा हूं स्वतंत्र भारत से। कहां से पढ़ रहा हूं? स्वतंत्र भारत से, स्वतंत्र भारत से। ठीक है ना? यानी जो भी बातें मैं बताऊंगा ना आपको, वो भारत की स्वतंत्रता होने के बाद की बातें बताऊंगा। क्लियर? उससे पहले क्या घटी वो हम इतिहास में पढ़ेंगे बेटा। ओके, तो सुनेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वतंत्र भारत से। ठीक है ना? केंद्रीय मंत्रिमंडल तीन भागों में बंटा होता है बेटा। कॉपी पेन लेके मस्त तरीके से नोट्स बना लेना। ऐसे नोट्स बनाने जा रहा हूं मैं फिलहाल कि तुम लोगों को ये लगेगा वास्तव जबरदस्त पढ़ाए, देखना एक बार। ठीक है ना? समझना, और बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है ना? केंद्रीय मंत्रिमंडल तीन प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, दोबारा राज्य मंत्री। और ये जो बीच वाले जो राज्य मंत्री होते हैं ना, ये स्वतंत्र प्रभार, जिनको बोला जाता है ना स्वतंत्र प्रभार, उन मंत्रियों की बात कर रहा हूं मैं। तो याद रखना केंद्रीय मंत्रिमंडल तीन भागों में बटी रहती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र भार और राज्य मंत्री। एग्जाम में अधिकतर प्रश्न यहीं से आते हैं और हम आज के टॉपिक में इन्हीं को कवर करेंगे। तो मेरे बच्चों, जो बच्चे अच्छा लग रहा है कॉन्टेंट, वो अपने साथियों को शेयर कीजिए, बोलिए कि इनको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता दूं बहुत बेहतरीन टॉपिक बताने वाला हूं मैं आपको ये। क्लियर? तो हम सबसे पहले किसको फॉलो करेंगे आज? कैबिनेट मंत्री को। तो चलिए कैबिनेट मंत्री ध्यान से सुनना, अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट मंत्रालय है या कैबिनेट मंत्री है, सबसे पहले किसने बनाया कैबिनेट मंत्रालय, सबसे पहले किसने बनाया, तो याद रखना जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में प्रथम कैबिनेट बना। एक तो ये बात याद रखिएगा, प्रथम कैबिनेट किसने तैयार किया था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। इस प्रथम कैबिनेट के अंदर 15 मंत्री थे, 15 मंत्री थे, यह बात भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब कैबिनेट मंत्रालय बनाया था तो उसमें 15 मंत्री थे। और एक बात और बता दूं, एक प्रश्न और याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, या आपको यह भी दे सकता है भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। कैबिनेट मंत्री अगर डायरेक्ट मंत्री पूछे तब भी, और कैबिनेट मंत्री पूछे तब भी, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि भारत की
ठीक है ना, ध्यान में रखें बेटा जी, भारत की प्रथम, ठीक है ना, भारत की प्रथम महिला मंत्री या कैबिनेट मंत्री कौन रही है? राजकुमारी अमृत कौर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। राज, यहां पर मैं लिख देता हूं, दिख जाएगा आपको, राज कुमारी अमृत कौर, ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है, लेकिन बच्चों का ध्यान नहीं जाता इन प्रश्नों पे, इसलिए ध्यान रखना बेटा जी। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आपसे कि देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वतंत्र भारत के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल तीन भागों में बटा हुआ है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र भार वाले, ठीक है ना। आज हम करेंगे कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, सबसे पहले कैबिनेट मंत्री को, कैबिनेट जो बना वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बना था, ठीक है ना। इसमें 15 मंत्री थे, और एक बात और याद रखिएगा, पर भारत, भारत की प्रथम, ठीक है ना, महिला मंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मंत्री या भारत की प्रथम कैबिनेट मंत्री कौन थी, जो महिला थी, वो थी कौन? याद रखिएगा, राजकुमारी अमृत कौर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इनमें से मेन मेन कैबिनेट मंत्री को पढ़ेंगे, वो मैं बताऊं, उससे पहले मेरे बेटो स्टार्टिंग हेडिंग डाल लो बढ़िया तरीके से। ओके बेटा, लिखो फटाफट। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के अंदर सबसे पहले तीन पदभार देखो बेटा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। गौर से सुनता बेटा, बड़ा मजा आने वाला, देखना। अगर मैं आपको ये कह दूं कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो आप सभी का उत्तर होगा जवाहर लाल नेहरू। क्लियर? अगर मैं कह दूं आपको, बताओ प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तब आपका जवाब आएगा इंदिरा गांधी। क्लियर? अगर मैं कह दूं कि वर्तमान में, बताओ वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे भी, ये आगे चेंज भी हो सकते हैं भाई, वर्तमान वाले जितने भी डाटा हैं, आज तो मैं जो वीडियो बना रहा हूं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज वीडियो जो बना रहा हूं उसमें तो वर्तमान है, लेकिन आगे जाके चेंज हो जाए तो इनको चेंज कर लेना बेटा, ठीक है ना। अगर मैं पूछ लूं कि वर्तमान में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी, समझ गए ना, लेकिन नरेंद्र मोदी लिख दो, आप सभी जानते हो। ओके, अब सुनो, वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री है, ये 15वें प्रधानमंत्री है, ध्यान में रखना, ये कौन से प्रधानमंत्री है, 15वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, याद रखना, 15वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा एक बात और, वर्तमान में, वर्तमान की बात करूं, नरेंद्र मोदी जी को दो पद और संभालने पड़ रहे, एक तो परमाणु विभाग, परमाणु विभाग, और एक अंतरिक्ष विभाग, ठीक है ना, अंतरिक्ष विभाग, ये दोनों विभाग भी कौन संभाल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। अगर पूछ ले कि भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, परमाणु विभाग मंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, अंतरिक्ष विभाग मंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, बोलो भारत माता की जय। अरे समझ में आई नहीं, ये याद कर लीजिए मेरे नंदलालो, याद कीजिए। ओके, आया मजा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कह दूं कि बताओ भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर मैं आपको कह दूं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, बताओ प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो मेरे नंदलालो प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रतिभा सिंह
पाटिल या कई जगह लिख रहा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है ना, पाटिल, ओके प्रतिभा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा सिंह पाटिल। और अगर पूछ ले कि भाई ये बताओ कि वर्तमान में कौन है, ठीक है ना, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो सभी को बताएं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना, कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ओके। अच्छा एक बात और, अभी हाल ही के अंदर प्रश्न बन सकते हैं कि प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन बना, तो याद रखना प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू है, ये बात लिख देंगे अपन, ठीक है ना, प्रथम आदिवासी। अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, 15वें राष्ट्रपति, तो याद रखना द्रौपदी मुर्मू भी 15वें हैं, 15वां राष्ट्रपति है, ठीक है ना। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रथम आदिवासी, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, द्रौपदी मुर्मू। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है ना। अगर कोई पूछ ले कि आपको बताओ राष्ट्रपति वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है जो 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है, 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है, किसने, द्रौपदी मुर्मू ने। यह प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति या प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछे कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तब प्रतिभा सिंह पाटिल। समझाए बात, आ जाओ यहां पर, उपराष्ट्रपति आ जाओ भाई, मैं कह दूंगा अगर बताओ प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है ना, ये बात बहुत बार आपके सामने आ चुकी है कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन रहे, तो आपको सभी को पता सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ओके बेटा जी। और अगर मैं मान लो आपको ये कह दूं कि प्रथम महिला बताओ, प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक कोई भी नहीं बना, क्या नहीं बना, अभी तक कोई भी नहीं बना है, ठीक है ना, ए लीजिए अभी तक कोई भी नहीं बना है, क्लियर। अगर पूछ ले कि बताओ वर्तमान में अपना उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, ठीक है ना, तो जगदीप धनखड़, कौन है, जगदीप धनखड़। और इन्होंने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है, कौन सा किए, 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझते चलना, मैं बहुत बढ़िया तरीके से आगे और बताने वाला हूं, ये याद रखना प्रथम कौन था, महिला कौन थी, वर्तमान कौन है, प्रथम कौन था, महिला कौन थी, वर्तमान कौन है, ओके। एक बार फिर बोल देता हूं मेरे बच्चों, अगर आपको मैटर अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज बेटा शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए बेटा जी, मजा आ जाएगा पढ़ाने में और पढ़ने में, ठीक है ना। दूसरी बात और बताऊं बेटा जी, इन चीजों को बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए बेटा जी, बहुत बढ़िया तरीके से, इससे भी खतरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा टॉपिक है जबरदस्त, ठीक है ना। और सच में कमेंट करके बताना कैसा लगा बेटा जी, तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए, फटाफट टॉपिक को क्लियर करते हैं, करो बेटा जी नोट। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं, बड़ा एंजॉय आने वाला है, बड़ा मस्त मजा आने वाला है, खींचते हैं बेटा गाड़ी। गृह मंत्री, अगर आपको कह दिया जाए कि बताओ प्रथम गृह मंत्री कौन था, प्रथम महिला गृह मंत्री कौन थे, नंबर 3 वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, ठीक है ना, 3 चीजें रखेगा। अगर कोई पूछ ले कि प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर पूछ ले कि प्रथम महिला कौन थी, तो याद रखना इंदिरा गांधी, कौन थी, इंदिरा गांधी।
अगर कोई पूछ ले वर्तमान में गृह मंत्री कौन है तो अमित शाह, अमित शाह जी थे जो वर्तमान में गृह मंत्री है। एक बात और याद रखना, अगर कोई पूछ ले कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तब भी मेरे लाल, मेरे नंदलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही नाम आएगा, ठीक है ना। एक बात और, अगर कोई प्रश्न आपसे पूछ ले सहकारिता मंत्री कौन है, अगर कोई पूछ ले कि वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है, तब भी अमित शाह। गृह मंत्री तो है ही है, साथ में सहकारिता मंत्री भी अमित शाह ही है। आया मजा, आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री, ठीक है ना। अब सुनो बेटा जी ध्यान से, अगर मैं आपको कहूं कि बताओ प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, ठीक है ना, अगर मैं आपको कहूं कि प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी, अगर मैं कहूं कि बताओ वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, तीनों प्रश्न। अच्छा मैं एक बार फिर बोल देता हूं आपको, वर्तमान वाले डाटा चेंज हो सकते हैं बेटा, मैं आपको पहले बोल रहा हूं, वर्तमान वाले डाटा चेंज हो सकते हैं, लेकिन नोट्स ऐसे ही बनाना तुम लोग। वर्तमान वाला उसको कच्ची पेंसिल से नोट कर लेना, उसको हटा देना, उसकी जगह वर्तमान वाला लिख लेना, लेकिन बाकी डाटा तो चेंज नहीं होंगे। समझे नहीं समझे, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई पर्सन पूछ ले कि बताओ विदेश मंत्री प्रथम कौन है, तो आप लिखोगे जवाहर लाल नेहरू, प्रथम विदेश मंत्री, क्योंकि विदेश मंत्रालय इन्होंने अपने हाथ में ही रखा था बेटा, ठीक है ना। तो प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अगर कोई पूछ ले कि प्रथम महिला कौन थी, तो सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए मेरे बच्चों इन प्रश्नों को बढ़िया तरीके से, सुषमा स्वराज। और कोई पूछ ले वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर एस, डॉक्टर एस जयशंकर, और एस का मतलब होता है सुब्रमण्यम, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, लेकिन शॉर्टकट में लिख रहा हूं यहां पर डॉक्टर एस जयशंकर। क्लियर, कोई दिक्कत, डन 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 डन, नोट करो बेटा फटाफट। चलिए बेटा जी अगले प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, ठीक है ना। अगर कोई पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का प्रथम, अच्छा एक बात और बता दूं भी मैं आपको, मैं जितने भी डाटा बता रहा हूं वो स्वतंत्र भारत के बाद वाला डाटा बता रहा हूं, स्वतंत्र भारत, और एग्जाम में भी साफ साफ लिख के देगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन था, स्वतंत्र भारत, ये नाम पक्का आएगा। ओके बेटा जी, तो देखो स्वतंत्र भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन था, तो याद रखना सरदार बलदेव, सरदार बलदेव सिंह, एक तो ये बात याद रखेगा। अगर कोई पूछ ले कि प्रथम रक्षा मंत्री यानी प्रथम महिला, प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी, तो याद रखना इंदिरा गांधी, याद रखना बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछ ले कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में रक्षा मंत्री है कौन, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। ओके बेटा जी, ये वर्तमान में, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह। बड़ा मजा आने वाला है, तो जल्दी जल्दी ना शेयर कर दो बेटा सबको, ठीक है ना, और नोट्स बनाओ बेटा शानदार जबरदस्त, क्योंकि तुम लोगों के सपोर्ट से मेरा मजा आ जाएगा मुझे बेटा, ठीक है। चलिएगा वित्त मंत्री, आज बेटा जी तीन वित्त मंत्री, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं कि भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था, सॉरी भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था, भारत का प्रथम वित्त मंत्री, तो याद रखना बेटा जी आर के सम्मुखम चेट्टी। याद रखना, प्रश्न आ सकते एग्जाम में, ये
बहुत जबरदस्त चीज से लिखा रहा हूं बेटा जी, नोट करते चलो इनको। भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? आर के सकुमम सम्मुखम चेट्टी। और प्रथम महिला बताओ, प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो याद रखना इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है ना। अगर कोई प्रश्न पूछ ले आपसे, साफ दिख रहा है ना भाई? ओके बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, अगर कोई पूछ ले कि भारत की वर्तमान वित्त मंत्री बताओ, वर्तमान भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो याद रखना सबको पता है निर्मला सीतारमण। ओके बेटा जी, निर्मला सीतारमण। आ रहा मजा? सच में आ रहा ना मजा? तो कर दो ना शेयर प्लीज। ओके बेटा जी, और प्लीज सब्सक्राइब कर दो, तो मजा आ रहा। और कमेंट भी तुम क्या करो बेटा जी, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बात और याद रखना, वित्त मंत्री वार्षिक बजट पेश करता है। बजट क्या करता है? पेश करता है, प्रथम भारतीय बजट, ठीक है ना। तो सम्मुखम चेट्टी ने पेश किया था, ठीक है ना। इसने क्या किया था? प्रथम बजट, प्रथम बजट पेश किया था कब? 26 नवंबर 1947 को। ये डेट याद रखना बेटा, 26 नवंबर 1947 को प्रथम बजट पेश किसने किया था? आर के सम्मुखम चेट्टी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम बजट किसने तैयार किया था? सम्मुखम चेट्टी ने प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को। 171.15 करोड़ का, 171.15 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था बेटा जी यहां पर। एलो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बेटा जी। ओके, तो मैं आगे बताऊं, नोट करो बेटा फटाफट। और एक बात और याद रखिएगा बेटा जी, एक बात और रखना, अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि वित्त मंत्री, तो आप बोलोगे निर्मला सीतारमण, लेकिन इसके बारे में एक बात है, कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन है वर्तमान में? कॉरपोरेट मामले की मंत्री कौन है? तो ये भी बेटा जी कौन है वर्तमान में? निर्मला सीतारमण ही बेटा जी, याद रखना। वर्तमान में कॉरपोरेट मामले की मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में, तो भी निर्मला। अब नोट करो बेटा फटाफट। चलिए बेटा जी आगे देखो, अगला है शिक्षा मंत्री। अगर मैं आपको यह कह दूं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था, शायद लगभग सभी को पता है, लगभग सभी को पता है, अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है ना। कौन है? मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एलवी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। लेकिन अगर कोई कह दे कि प्रथम महिला शिक्षा मंत्री कौन थी, प्रथम महिला शिक्षा मंत्री, तो लगभग किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। तो सुन लो आज के बाद में, स्मृति ईरानी का नाम सुना है? स्मृति जुबीन ईरानी, जिसको अपन बोलते हैं ना स्मृति ईरानी, ठीक है ना। ये भारत की प्रथम महिला शिक्षा मंत्री रही है बेटा, ये बात ध्यान रखना। और अगर कोई पूछ ले कि भैया वर्तमान में बताओ कौन है शिक्षा मंत्री वर्तमान में, तो याद रखना धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, ठीक है ना। एक है धर्मेंद्र जांगिड़ जो हमारा दोस्त है, वो नहीं है भाई रे, ठीक है ना। धर्मेंद्र जांगिड़ नहीं, धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है ना। तो धर्मेंद्र प्रधान याद रखिएगा। और एक बात और याद रखना, कौशल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में? भाई वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बारे में एक बात और याद रखिएगा, कौन सा? अगर कोई पूछ ले कि मेरे नंदलालो बताओ कौशल विकास मंत्री कौन है, तब भी मेरे दोस्तों यही बात बोलना, धर्मेंद्र प्रधान। कौशल विकास मंत्री कौन है?
धर्मेंद्र प्रधान है बेटा जी। जो शिक्षा मंत्री है वो एक कौशल विकास केंद्र काम करेगा, है कि नहीं है। आजो खेल मंत्री, अगर मैं आपको कह दूं कि भाई साहब मुझे ये बताओ इस धरती के ऊपर स्वतंत्र भारत का प्रथम खेल मंत्री कौन है, बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई। कई जगह तो मान रखा है कि ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी है, और कई जगह पर मान रखा कि उमा भारती है, उमा भारती है। ये बड़ी कंफ्यूज वाली बात है, लेकिन मैं आपका कंफ्यूज दूर करूंगा। कैसे भाई साहब? ऑप्शन में क्या तो ममता बनर्जी आएगा या उमा भारती आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखना, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। चारों ऑप्शन ए बी सी डी में से ममता बनर्जी या उमा भारती में से कोई एक आएगा, लेकिन पहले ममता बनर्जी बनी थी लेकिन उसका विभाग अलग था, खेल मंत्रालय उसको दिया गया था, उसके बाद में खेल मंत्रालय को अलग बनाया गया, तब उमा भारती बनी। कंफ्यूज दोनों में है मेरे लाल, समझे? तो पहले याद रखना ना ये, तो कि प्रथम, अगर कोई पूछ ले कि प्रथम महिला बताओ, प्रथम महिला खेल मंत्री, तो मेरे नंदलालो तुम भी मुस्कुरा रहे होंगे कि जब यहां पर महिला है तो प्रथम महिला भी यही होंगी। अगर ममता बनर्जी प्रथम खेल मंत्री है तो महिला ही, ममता बनर्जी महिला ही तो है, अरे है कि नहीं है? तो ये प्रथम महिला भी ममता बनर्जी, अगर उमा भारती हुई तो प्रथम महिला भी उमा भारती होगी, समझ गए? हाँ, इंपॉर्टेंट बात है वर्तमान में कौन है, है क्या? वर्तमान में बता सकते हो खेल मंत्री कौन है? वर्तमान में खेल मंत्री कौन है तो ध्यान में रखना, कौन है? अनुराग ठाकुर। कौन है बेटा जी? अनुराग ठाकुर। ये वर्तमान भारत में खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। एक मेरे बात में फिर से बोलते थे मेरे बच्चों, वर्तमान वाले मान चेंज हो सकते हैं, अगर ये चेंज हुए तो वर्तमान वाले, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होंगे ऊपर वाले। ओके बेटा जी, तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए मेरे बच्चों, फटाफट नोट कीजिए। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री, स्वस्थ रहोगे अच्छा रहोगे, स्वास्थ्य मंत्री को हम चिकित्सा मंत्री भी बोल सकते हैं बेटा जी, ठीक है ना? स्वास्थ्य मंत्री, वही बात फिर से, स्वतंत्र भारत की प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन था? तो आप क्या बोलोगे? वही रे, राजकुमारी अमृत कौर, याद रखना। और राजकुमारी अमृत कौर के बारे में शुरू में क्या लिखवाया था? भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन रही है? भारत की प्रथम महिला मंत्री, तो याद रखना राजकुमारी अमृत कौर। या ये पूछ ले जाए भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन रही है? भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री, तब भी क्या बोलोगे? राजकुमारी अमृत कौर। मैंने लिखवा दिया इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता। ओके, अगर कोई कह दे कि प्रथम महिला बताओ, प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन रही है, तो भाई साहब राजकुमारी अमृत कौर में बता दू ये महिला ही थी, ठीक है ना? कोई क्या पता क्या समझे, है कि नहीं है? हाँ, ये महिला ही थी। हेलो भाई साहब, अगर प्रथम महिला पूछे तो भी राजकुमारी अमृत कौर को करना, और डायरेक्ट पूछे कि प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन था, तब भी राजकुमारी अमृत कौर। हाँ, अब आओ मेन चीज, वर्तमान में बताओ स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तब आपको एक बात याद रखना है, स्वस्थ रहेंगे तो मन अच्छा रहेगा, यानी कि मन सुख, याद रखना मन सुख मंडाविया, मन सुख मंडाविया, याद रखना मेरे बच्चों। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मन सुख मंडाविया। और एक बात और याद रखना मेरे बच्चों, ये जो मन जैसे सुख हुआ ना, होते ही इसको ये बोल दिया तुम एक काम करो, रसायन एवं उर्वरक मंत्री वर्तमान में किसे बनाया गया है? रसायन
एवं उर्वरक मंत्री किसको बनाया गया है? तो भाई साहब जिसका मन सुख है वो रसायन के अंदर जाएगा। देखो सोच के देखो, स्वस्थ है मतलब स्वस्थ का बताओ, इंजेक्शन वगैरह लगते हैं और इंजेक्शन में हम क्या चलते हैं, रसायन की बातें चलती हैं, है कि नहीं है, काम खत्म। स्वास्थ्य मंत्री मेरा मन सुख है, तो रसायन उर्वरक मंत्री भी कौन है, मन सुख मंडावे। आया मजा? तो शेयर कर दो ना, ओके। चलिए सब्सक्राइब करो बेटा, शेयर भी करो, और इस वीडियो के ऊपर व्यूज बहुत अच्छे आने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन बड़ा दिल से बनाया हूं बेटा मैं ये, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त मेहनत लगी इसके अंदर। तो चलिए कृषि मंत्री, तो कृषि मंत्री के अंदर आ जाओ भाई। पहले सबसे पहले अगर मैं कह दूं कि भारत का प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम कृषि मंत्री कौन था, कृषि मंत्री तो रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्वतंत्र भारत का प्रथम कृषि मंत्री था भाई। मैं फिर से बोल देता हूं, ये जितने भी डाटा बता रहा हूं ये स्वतंत्र भारत के बता रहा हूं। दूसरी बात और बोल देता हूं, वर्तमान के डाटा चेंज हो सकते हैं, तुम सर आपने तो ये बताया था आजकल ये है ही नहीं, अरे चेंज कर लो रे मेरा नंदलाल, क्या दिक्कत आ रही है कि नहीं है। तो याद रखना भारत का प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम कृषि मंत्री कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना। अगर कोई पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला कृषि मंत्री कौन रही है, तो आज तक कोई भी खेती बाड़ी के अंदर महिला नहीं आ चुकी है, इसलिए क्रॉस क्रॉस क्रॉस, अभी तक कोई भी महिला कृषि मंत्री नहीं बनी है, ओके। हां अब आओ आगे, वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर। एक तो नरेंद्र मोदी जी है वो तो प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री के साथ किसकी नहीं बनती, किसानों की बनती नहीं है, इसलिए क्या आ गया नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, क्लियर। खींच दो बेटा गाड़ी, खींच दो, इस बार सिलेक्शन लेना अपन को हर हाल में। करंट अफेयर का जो डर था ना बच्चों के बीच में, सर करंट अफेयर खतरनाक है, मैं निकालूंगा बेटा गारंटी के साथ, गारंटी के साथ निकालूंगा बेटा, बाहर से नहीं जाने दूंगा क्वेश्चन, ये मेरा चैलेंज है बेटा, ठीक है ना, नोट करो बेटा जी फटाफट। चलिए बेटा जी आगे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और दूसरा है संचार मंत्री, दोनों अच्छी तरह से याद कर लेना बेटा। अगर कोई प्रश्न पूछ ले आपसे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन था, प्रथम कौन था, तो आज के बाद में याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, प्रथम। अगर कोई पूछ ले कि बताओ प्रथम महिला कौन थी, प्रथम महिला, तब बेटा एक ही बात करना, इंदिरा गांधी, कौन थी, इंदिरा गांधी, याद रखे बेटा जी, डाटा बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूं और बहुत ही बढ़िया मेहनत करके लेके आया बेटा जी, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वर्तमान में कौन है, वर्तमान में तो याद रखना अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, संचार मंत्री, अगर मैं कह दूं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम संचार मंत्री कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम संचार मंत्री कौन था, तो याद रखना बेटा जी श्री रफी अहमद किदवई, याद रखना बेटा जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्री रफी अहमद किदवई, ओके डन 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 डन, क्लियर। आजो भाई अगर मैं आपको कह दूं कि संचार मंत्री, अगर मैं कह दूं प्रथम महिला बताओ, प्रथम महिला संचार मंत्री कौन थी, तो याद रखना बेटा जी वही अमृत कौर राजकुमारी, राजकुमारी अमृत कौर, समझ गए, राजकुमारी अमृत कौर,
प्रथम संचार, प्रथम महिला संचार मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। आरान मजा। नेक्स्ट, वर्तमान में बताओ भी संचार मंत्री कौन है वर्तमान में, ठीक है ना? तो यह रखना अश्वनी वैष्णव, ये रखना अश्वनी वैष्णव वर्तमान के अंदर संचार मंत्री। बेटा जी समझ में आई मेरी बात? जल्दी जल्दी नोट करो बेटा, कीजिए। चलिए बेटा जी आगे देखो, कानून मंत्री। अगर पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था, तो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, याद रखिएगा बेटा जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री था। अगर कोई पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला, अगर कोई पूछ ले कि बताओ स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला कानून मंत्री कौन थी, तो भाई साहब कोई भी नहीं थी, कोई भी नहीं बनी। अंबेडकर तो टच कर सकती है कोई, ठीक है ना? नहीं बनी। ओके, दूसरा, अगर पूछ ले कि वर्तमान में कानून मंत्री कौन है, वर्तमान में अगर पूछ ले कि वर्तमान में कानून मंत्री कौन है, तो याद रखना अर्जुन राम मेघवाल। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल, याद रखिएगा बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछ ले कि वर्तमान में कानून मंत्री कौन है, तो अर्जुन राम मेघवाल बेटा जी। ओके, आजो। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन है? अगर पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उद्योग आपूर्ति मंत्री कौन सा है, अभी हाल ही के एग्जाम में प्रश्न पूछा है, हाल ही के एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन था, तो याद रख लेना बेटा जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रखिएगा बेटा जी। कईयों को याद नहीं है, ये सब याद करते हो वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, अभी देवी देवताओं ये भी याद रखो, समझे? जबरदस्त मेहनत करो, जी जान लगा के तोड़ दो सब चीजों को, मतलब एग्जाम करे और कुछ को मत तोड़ देना, ठीक है ना? प्रथम महिला, अगर कोई पूछ ले कि प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति, प्रथम महिला उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन है, ठीक है ना? तो याद रखना इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रथम महिला उद्योग आपूर्ति मंत्री कौन थी, ठीक है ना? तो कौन बोलोगे? इंदिरा गांधी। क्लियर बेटा जी? अगर कोई पूछ ले कि भाई साहब वर्तमान में बताओ कौन है, वर्तमान में उद्योग आपूर्ति मंत्री वर्तमान में कौन है, समझ गए मेरी बात? वर्तमान में कौन है, तो याद रखना पीयूष गोयल। कौन है बेटा जी? पीयूष गोयल। और एक बात और याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीयूष गोयल के बारे में, वाणिज्य मंत्री और कपड़ा मंत्री भी पीयूष गोयल है भाई साहब। ये उद्योग आपूर्ति है, तो उद्योग के नाम से क्या? कपड़ा, कपड़ा उद्योग, वाणिज्य मतलब व्यापार, समझ गए? तो याद रखना अगर एग्जाम में पूछ ले कि वाणिज्य मंत्री कौन है, या फिर पूछ ले कि कपड़ा मंत्री कौन है वर्तमान में, तो बेटा जी दोनों का उत्तर भी कौन होगा? पीयूष गोयल होगा बेटा जी। वाणिज्य मानी व्यापार, कपड़ा मानी उद्योग, कपड़ा उद्योग। तो जब आपको पता है कि उद्योग आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल है, तो भाई साहब इन दोनों के भी कौन होंगे? पीयूष गोयल होंगे। दिल से बताओ बेटा जी, अच्छा लग रहा है ना? कॉमेंट करो ना प्लीज, ठीक है ना? और बढ़िया तरीके से बेटा अपने दोस्तों को भी लिखो, दोस्तों को भी शेयर करो, और उनको लगना चाहिए, पूरे भारत में छा जाना चाहिए कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ओके बेटा जी, लेट्स करो स्टार्ट बेटा जी, लिखो। चलिए बेटा जी, एक बचा हुआ रेल मंत्री, ठीक है ना? रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था, तो याद रखना बेटा जी जॉन मथाई, याद रखना बेटा। स्वतंत्र भारत का प्रथम
रेल मंत्री कौन था स्वतंत्र भारत का, तो जॉन मथाई। अगर पूछ लेगी प्रथम महिला, प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी, तो ममता बनर्जी। याद रखना कौन थी, ममता बनर्जी। याद रखना बेटा जी, ममता बनर्जी थी भाई प्रथम महिला रेल मंत्री, कौन थी, ममता बनर्जी। लेकिन अगर पूछ ले कि भाई साहब वर्तमान में बताओ, तुम पीछे का मत जाओ, पीछे की बातें मत बताओ, वर्तमान की बताओ, तो याद रखना अश्विनी, अश्विनी वैष्णव। ओके बेटा जी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो थे बेटा जी पीछे के इतिहास को लेके मैंने एक साथ बताया आप लोगों को, ठीक है ना। कैसा आपके समझ में आया ये प्लीज बेटा तुम शेयर जरूर करना, और प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भारत के किसी भी कोने में अगर बच्चा पढ़ रहा है ना, तो प्लीज बेटा मैटर कैसा लग रहा है आपको सच में दिल से, और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसका मतलब मैटर अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो मैटर अच्छा लग रहा है तो प्लीज बेटा मेरा अगला वीडियो आए इसके लिए नोटिफिकेशन करने के लिए आप लोग मेरा बेल आइकन और सब्सक्राइब कर दो बेटा जी, ओके। और जल्दी जल्दी बेटा जी इसको कीजिए। अब मेरे पास बच गए वन लाइनर क्वेश्चन। अब जो भी मेन मेन थे मैंने बता दिया, अब वन लाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, 7-8 क्वेश्चन है उनको करवाती अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल हमेशा हमेशा के लिए खत्म। क्लियर, वो मैं कराऊं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, कीजिए बेटा। चलिए बेटा जी करते हैं आगे स्टार्ट। अब देखो वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो सबको पता है नितिन गडकरी। क्लियर, जहाजरानी या जल मार्ग मंत्री कौन है, तर्गना सर्बानंद। याद रखना बेटा जी सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। ये बेटा जी छोटी छोटी बातें याद रखिएगा बेटा, एक एक लाइन क्वेश्चन है, ये वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, ओनली वर्तमान, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उड़न या वायु मार्ग मंत्री कौन है, तर्गना ज्योतिरा दित्य, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, एम सिंधिया। एक तो ये बात याद रखना, दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट बात, जहाजरानी जलमार्ग मंत्री कौन है, तो याद रखना सर्बानंद सोनोवाल। और एक बात और, अगर पूछ लिया जाए कि आपसे आयुष मंत्री कौन है, तो आयुष मंत्री भी यही है बेटा सर्बानंद सोनोवाल, आयुष मंत्री भी यही होगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पूछ ले कि आपका उड्डयन यानी कि वायुमार्ग जल मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन अगर पूछ ले कि इस्पात मंत्री कौन है, इस्पात मंत्री कौन है, तब भी भाई साहब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया करके आना, इस्पात मंत्री भी यही है, समझाई मेरी बात ये। और मैं क्वेश्चन कहूं फटाफट नोट कर लो बेटा इसको। अब देखिए बेटा जी, कोई पूछ ले आपसे कि वर्तमान में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, तो याद रखना जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। अगर कोई पूछ ले जनजातीय मामलों के वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो याद रखना अर्जुन मुंडा, अपने क्षेत्र का भी है अर्जुन मुंडा, ओके, खूंटी से है, ठीक है ना, झारखंड का। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो रखना स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी, ओके बेटा। ये जो स्मृति ईरानी जो है ना, आगे और बता दूं मैं आपको, अल्प संख्यक मामला, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, तब भी स्मृति ईरानी करना बेटा जी वर्तमान में। ये चीज विशेष करके याद रखना, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक बात बताओ बेटा जी सच सच, इनको पहले आप नोट कर लो पहले फटाफट, ओके बेटा जी। ये था अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसमें कैबिनेट मंत्री को मैंने पढ़ाया, सही से बताना बेटा जी कैसा लगा।
और क्या आपने इसे कभी पहले पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज बेटा शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा प्लीज, ठीक है ना। और एक बात बताऊं बेटा जी, मैं वो चीजें लेकर आऊंगा आप लोगों के लाइफ के अंदर कि इतने बढ़िया तरीके से सूटेबल तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है बेटा आप लोगों को बस। और ज्यादा दिन नहीं है, मैं थोड़े दिन में ऑनलाइन भी आने वाला हूं, ऑनलाइन क्लास लेने वाला हूं, लाइव क्लास लेने वाला हूं, ध्यान में रखना ठीक है ना। लेकिन लाइव क्लास में मैं छप्पर फाड़ दूंगा बढ़िया तरीके से, गारंटी कर रहा हूं। बस आप लोग मेरे याद रखिएगा ढंग से, आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही मैं ऊपर गया हूं बेटा, आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ करूंगा, चैलेंज है ठीक है ना। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ये वीडियो सबको शेयर कर दीजिए, आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए, उनसे भी करवाइए। और बेटा जी बढ़िया मेरा सपोर्ट जिस तरह से तुम लोग कर रहे हो ना, उसके लिए बेटा जी दिल से धन्यवाद। ओके बेटा जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद जय भारत बेटा जी, थैंक यू।